तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि जो नोकिया की एड आपने देखी होगी उसके लिए, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन आपका है ये मैं समझ सकता हूँ। आपके दुख में मैं भी शामिल हूँ और ये मैंने इसलिए कहा था कि आपको थोड़ा सा खुशी मिले। दूसरी चीज़ है कि मैं एक इकलौता टेक यूट्यूबर हूँ जो आपके दुख और गम को समझ सकता हूँ। तीसरी चीज़ है कि नोकिया के मम्मी डैडी खुश रहे, मैं यही दुआ करता हूँ। उसमें आप लोग का स्वागत है और आज की रेक्टो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर परिकर जी, जिनका कल निधन हो गया और वो हमारे बीच में नहीं है। ये बहुत ही अफसोस और बहुत ही दुख भरी खबर है हम सभी लोगों के लिए। ये एक ऐसे इंसान थे, थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ, कि जब भी रास्ते में जाते थे तो सुनने में ऐसा आया कि वो स्लीपर्स पहन के निकल जाते थे। मतलब कभी सोचते नहीं थे कि वो चीफ मिनिस्टर है, और अगर कहीं रास्ते में भूख लगती थी तो भोजन करने के लिए किसी भी होटल में घुस जाते थे। ये नहीं सोचते थे कि अरे मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ, इस छोटी सी होटल में जाके क्या करूंगा। तो ये थोड़ी बहुत चीजें उनके बारे में, तो दिल से श्रद्धांजलि देता हूं और अफसोस जताते हैं कि बहुत बुरा हुआ है। यहां पे दोस्तों मैंने आज भी बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया हूं। अगर सुबह वाली वीडियोस नहीं देखा है बजट स्मार्टफोन वाली, तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक दे दूंगा। ज्यादा मिस नहीं करते और फटाफट से आज की रिएक्शन शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहां पे Xiaomi से, और फाइनली यहां पे Xiaomi ने जो वो चाइना के अंदर अपने Redmi 7 और Redmi Note 7 Pro को जो वो लॉन्च कर दिया है। और मैं बात करूंगा सबसे पहले Redmi Note 7 Pro की, जो कि उसमें कुछ खास नहीं मिलता है चाइना में, वही सेम है जो आपको इंडिया में देखने को मिला है। थैंकफुली इस बार उन्होंने कोई पार्शियलिटी नहीं की जैसे कि वो हमेशा से करते थे। बस फर्क ये है कि वहां पे सिर्फ एक वेरिएंट में उन्होंने लॉन्च किया 6GB 128GB में Note 7 Pro के अंदर, जबकि इंडिया में 464 वाला आपको मिलता है। और उसकी जो प्राइस वहां पे रखी है कन्वर्ट करते तो कुछ 16,500 की, यहां पे भी कुछ 17,000 की, तो ज्यादा फर्क नहीं है। Redmi 7 की बात करते हैं तो Redmi 7 भी लॉन्च हो गया है 3 अलग-अलग वेरिएंट्स में, 2GB RAM 16GB स्टोरेज 3/32 और 464, और उसके अलावा यहां पे इसमें 6.26 इंच की आपको एक HD+ की Infinity U वाली डिस्प्ले मिलती है। आपको यहां पे Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा Snapdragon 632 वाला प्रोसेसर मिलता है। उसके अलावा 12+2 का डुअल रियर फेसिंग कैमरा है, 8 की सेल्फी है, 4000mAh की आपको बैटरी मिलती है। बैक एकदम मस्त पॉलीकार्बोनेट वाला आपको मस्त ग्लॉसी से अलग-अलग कलर में ग्रेडिएंट फिनिशिंग में मिलता है। साथ में आपको यहां पे इसके अंदर स्प्लैश प्रूफ भी है, तो पानी वगैरह के छींटे उड़े के थोड़ा हेल्प करेगा। प्लस जो प्राइस है 2GB 16GB वाले की, वो स्टार्ट होती है 7,100 रुपए से, 3/32 की स्टार्ट होती है 8,200 से, और 464 की स्टार्ट होती है 10,200 से। इंडिया में कभी लॉन्च होगा ये नहीं पता, लेकिन ऑनेस्टली प्राइस बहुत ही अच्छी लगी मुझे, क्योंकि फीचर्स भी काफी कमाल के दे रहा है और Redmi 6 से कंपेयर करते तो काफी सारे इंप्रूवमेंट्स आपको उसमें मिलते हैं। देखते हैं यहां पे इंडिया में कितना जल्दी लॉन्च होता है, क्या प्राइस में आता है, मैं जरूर से आपको उसके बारे में बता दूंगा। और यहां पे साथ में Xiaomi का जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है, अभी यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि Q2 2019 में Xiaomi इसको जो लॉन्च करने वाला है, यानी कि जून के आसपास आपको ये फोन देखने को मिलेगा। और सबसे पहले ऐसा बताया जा रहा है कि यूरोप के अंदर लॉन्च होगा और जो प्राइस रखी जाएगी वो कुछ 1,000 यूरोस के आसपास, यानी कि अगर उसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 75-80,000 रुपीज के आसपास आपको ये फोन देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बहुत ही चीप होगा, अगर उसको सैमसंग की गैलेक्सी फोल्ड और हुआवे से कंपेयर करते हैं, क्योंकि सैमसंग वाला तो 1 लाख के ऊपर है और हुआवे तो ऑलमोस्ट 2 लाख का आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का है ये डुअल फोल्डेबल, दो तरीके से फोल्ड होता है, और हमने बहुत सारी बातें इस पर कर दी है। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज आपको उसमें मिलेगी, 10GB की रैम भी देखने को मिलने वाली, स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर है। देखते हैं यहां पे ये जब ग्लोबली लॉन्च होगा उसके बाद इंडिया में कितना जल्दी आता है, जैसे आएगा मैं आपको जरूर इसके बारे में भी बता दूंगा। तो यहां पे एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल जो अपकमिंग आईफोन्स आएंगे 2019 वाले, उनमें दो ऐसे जो वेरिएंट्स होंगे, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है आईफोन XS और XS मैक्स के ही सक्सेसर होंगे, जिनमें आपको ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा देखने को मिलेंगे। तो पहली बार ऐसा होगा कि जो आईफोन्स आने वाले इस साल उनमें 3 कैमरा आपको मिलेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि पीछे जो वो स्क्वायर शेप जो वो बॉक्स होगा उसमें 3 कैमरा होंगे, जो हुआवे वाले फोन होते ना स्क्वायर शेप में 3 कैमरा वैसे ही होने वाले। और अभी स्लैश लीक्स ने भी काफी टाइम पहले जो कुछ लीक्स निकली थी, कुछ रेंडर्स बनाया था, तो वो भी इससे काफी मैच कर रही है। तो कुछ इस तरीके का आईफोन होने वाला है अपकमिंग 2019 वाला, जिनमें 3 कैमरा आपको मिलेंगे। उसके अलावा क्या कुछ खास है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ 3 कैमरा आएंगे, ये खबर फिलहाल के लिए यहां पर निकल कर आई है। तो यहां पे मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूं कि Asus ZenFone Max Pro M1, Asus ZenFone Max Pro M2 और ZenFone Max M2 15 अप्रैल या थोड़ा उससे पहले आप लोग को पाई अपडेट इन तीनों के अंदर यहां पर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए बीटा प्रोग्राम उनका चल रहा है मैक्स प्रो M1 मैक्स प्रो M2 का, उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मत करिए, ऑफिशियल का वेट करिए। 15 अप्रैल से पहले इन तीनों फोन में आप लोग को एंड्रॉइड पाई स्टॉक अपडेट
प्रॉफिट वैसे तो स्टॉक ही था वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों टेस्ला की तरफ से खबर आ रही है और टेस्ला के जो सीईओ है एलन मस्क ने यहाँ पे अभी ट्विटर पर ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि उनको यहाँ पे इंडियन मार्केट में एंटर करना है। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने कहा कि 2019 में हम आ जाएंगे, लेकिन अगर इस साल नहीं हुआ तो 2020 में तो हम पक्का इंडिया के अंदर आ जाएंगे। उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है इंडिया के अंदर जिसकी वजह से उनको आने में प्रॉब्लम हो रही है और एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी उन्होंने उसके बारे में भी बताया था, इस वजह से भी उनको यहां पे प्रॉब्लम हो रही है। वैसे 2017 में ही उनको आना था और उनकी कुछ टेस्ला मॉडल 3 को लेकर आने का था, कुछ उनकी वो इलेक्ट्रिक कार है जो कुछ 24-25 लाख के आसपास है, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं डॉलर से, लेकिन वो फेल्ड हो गया नहीं आ पाए, तो शायद से 2019 में वो लोग एंट्री कर सकते हैं। अगर टेस्ला के लवर्स आप चाहते हैं कि भाई टेस्ला की गाड़ी इंडिया में आ जाए तो शायद से आपको 2019 में या फिर 2020 की स्टार्ट के अंदर जो वो देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहां पे एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है और अभी मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही यहां पे हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं आपसे यहां पे क्या बताऊं। अभी महाराष्ट्र के अंदर यहां पे खटकली बाईपास के पास हिंगोली के अंदर दो लड़के, एक 24 साल का था और एक 22 साल का था, और वो दोनों रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठ के पबजी खेल रहे थे और हैदराबाद अजमेर वाली जो ट्रेन थी उनको पता नहीं था, शायद से वो कान में लगा कि आप लोग ईयरफोन्स खेलते ना सुनने के लिए कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो इतने मगन हो गए होंगे कि वो ट्रेन आई भाई इन लोगों को उड़ा के लेके चले गए। दोनों की डेथ हो गई, दूसरे दिन इनकी बॉडी मिली क्योंकि रात भर तो लोग को पता नहीं था, रात में ये सीन हुआ और फिर उसके बाद शायद से पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी मोबाइल हाथ में आया होगा तो पता चला होगा कि भाई इसमें तो पबजी चल रहा था, इस वजह से उन्होंने ये कहा कि पबजी की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब ये चीज यहां पर सामने निकल कर आई है, बहुत टाइम बाद ये एक्सीडेंट अभी इंडिया, एक ने तो सुसाइड कर दिया था लेकिन ये सुसाइड नहीं है, ये पबजी की वजह से जान जा रही है, अब ये एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं तो ये कहता हूं कि अपनी जो लाइफ है ना भाई उसको प्लीज कीमती समझो और ये चीजों के लिए अपनी लाइफ को मत गवाओ, और ये दो बच्चे थे बेचारे उनके घर वालों के लिए उनके लिए मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। तो यहां पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एक एंटीवायरस कंपनी है एवी कंपैरेटिव्स ने रिसेंटली यहां पे एक रियल टेस्ट किया और उनको यहां पे जानना था कि जो एंड्रॉइड के अंदर सो कॉल्ड एंटीवायरस एप्लीकेशंस जो आते हैं ना भाई इनमें एक्चुअल में कितना दम है। अब उन्होंने जब टेस्ट किया तो 138 वेंडर्स जो थे कंपनीज जो थी उनके साथ टेस्ट किया जिसमें एवीजी अवास्ट बिट डिफेंडर ईसेट बहुत सारी कंपनीज थी, 250 एप्लीकेशंस थे ऐसे टोटल पूरे प्ले स्टोर में एंटीवायरस वाले, जिनमें से जब उन्होंने टेस्ट किया कुछ मालवेयर एप्स भी उन्होंने डाल के देखे तो पता चला सिर्फ 80 ऐसे एप्लीकेशंस थे जिन्होंने एक्चुअली में मालवेयर ऐप को डिटेक्ट किया, मतलब उसमें से भी 80 एप्लीकेशन में से भी 30% ही वो लोग जो वो डिटेक्ट कर पाए। कितने एप्लीकेशंस तो इतने बुरे थे एंटीवायरस वाले जो उन्होंने खुद को भी मालवेयर ऐप बता दिया, जी हां मतलब उनमें ऐसा कोडिंग वाला सिस्टम होगा खुद को ही मालवेयर एप्लीकेशन बता दिया, मतलब जो एंटीवायरस ऐप आपको एंड्रॉइड के अंदर मिलते हैं प्ले स्टोर में भाई इस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना, ये बहुत पहले मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये कुछ सीन यहां पर निकल कर आया, उन्होंने यहां पे ये टेस्ट करके देखा है और हमें बताया। तो यहां पे दोस्तों पोको की तरफ से खबर आ रही है और फाइनली यहां पे पोको F2 Geekbench पर लिस्ट होकर आ चुका है और ये जो लिस्टिंग हुई है ये अभी लेटेस्ट यानी कि 16 मार्च के आसपास जो वो देखी गई है, लेकिन यहां पे कुछ चीजें जिस पे मुझे शक हो रहा है मैं सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूं कि जो लिस्टिंग अगर आप देखते हैं इसमें ऐसा बता दे रहा है कि स्नैपड्रैगन का 855 वाला आपको प्रोसेसर मिलेगा, दूसरी चीज इसमें 4GB की रैम दिख रही है जबकि पोको F1 में 4GB रैम वाला वेरिएंट को था ही नहीं, वो तो 6GB से स्टार्ट होता था और एंड्रॉइड 9 पाई आपको यहां पे जो मिलेगा। अब ये जो स्कोर आया अगर आप देखते हैं तो सिंगल कोर जो है वो 1700 के आसपास मिल रहा है और मल्टी आपको कुछ 6000 के आसपास मिल रहा है जबकि एक्चुअल स्नैपड्रैगन 855 का जो स्कोर आया था वो सिंगल में 3000 से भी ज्यादा था और मल्टी में 10000 से भी ज्यादा था, तो ये थोड़ा सा मुझे शक हो रहा है। उसके अलावा अगर आप पहले जो पोको F2 लिस्ट हुआ था स्नैपड्रैगन 845 के साथ में वो भी एक आया था उसमें अगर आप देखते तो उसका भी स्कोर इस वाले स्नैपड्रैगन 855 से ज्यादा दिखा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। अब ये लिस्टिंग हुई है ये इसको उन्होंने चेंज किया है गड़बड़ी है ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि पोको F2 आपको स्नैपड्रैगन 855 4GB रैम के साथ में मिल सकता है, तो देखते हैं यहां पे ये एक्चुअली में क्या है। बस जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है अब इसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूं। तो यहां पे बात करते हैं दोस्तों फटाफट से आज के डील्स की क्योंकि आज मंडे है। पहला आपको यहां पे मिलता है बाइक का USB मोबाइल चार्जर, अगर आपको चाहिए तो ये आपको सिर्फ 300 रुपए में मिलता है। उसके अलावा आपको यहां पे जो वो लाइफस्टाइल टी-शर्ट्स के ऊपर 50% तक के डिस्काउंट है, प्राइस जो वो 300 रुपए से स्टार्ट हो रही तो आप ले सकते हैं। आपको ब्लैक ट्राउजर मिल रही है ये बहुत ही अच्छी डील है 450 रुपए के अंदर है, और उसके अलावा दो आपको फोर्ट कॉलिन टी-शर्ट मिल रहे हैं वो भी सिर्फ 250 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया अगर आपको इंटरेस्ट है तो वहां पर जाकर आप परचेस कर सकते हैं। आपको यहां पर पता है कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में दुख और तकलीफ है तो आपने बिल्कुल गलत सोचा है। व्हाट्सएप के जो को फाउंडर है ना जैन कॉम, एक टाइम पर उनको क्लीनिंग का भी काम करना पड़ा था, जो क्लीनर होते हैं ना उनको क्लीनिंग का भी काम करना पड़ा था, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया उसके बाद जाके वो व्हाट्सएप के को फाउंडर बने थे। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, अगर आपको पसंद है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोगों के लिए डेली न्यूज़ आऊंगा आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।